दोस्तों आज इस वीडियो में आपको फॉसिल की FS4795 वॉच के बारे में सब कुछ पता चलेगा। काफी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है फॉसिल की वॉच का बॉक्स, ऑरेंज और ब्लैक कलर में। यहाँ पे फॉसिल लिखा है, आगे भी फॉसिल लिखा है, साइड में कुछ डिज़ाइनें हैं, पीछे भी फॉसिल है, नीचे कुछ डिटेल्स है। चलो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और अंदर देखते हैं हमारी वॉच कैसी है। तो यहाँ पर ये अपना यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वॉचेस के लिए। और यहाँ पर ये रही अपनी वॉच, और इसकी साइज़ मैंने छोटी करवा ली तो एक्स्ट्रा मेटल की क्लिप्स जो है अंदर पड़ी है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, कुछ इस तरह की ये वॉच है। यहाँ पर बॉक्स को साइड में रखते हैं और वॉच को चारों तरफ से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉसिल लिखा हुआ है इसके लॉक पे, तो इसको मैं ओपन करता हूँ ऐसे बटन्स दबा के। और नीचे की साइड में देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं और जो है US पेटेंट नंबर भी लिखा है। ब्रेसलेट का 22mm साइज लिखी है और पीछे लिखा था 5 ATM वाटरप्रूफ, यानी कि जो है 50 meters तक 10 मिनट तक आप लोग जो है इसको पानी में ले जा सकते हो, वाटरप्रूफ ये रहती है। और यहाँ पर देखिए स्प्लैश प्रूफ वगैरह तो रहेगी। जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ कितनी कमाल की लग रही है ये। इसका प्लास्टिक मैंने अभी उतारा है और यहाँ पर देखिए काफ़ी बढ़िया जूमिंग है मेरे कैमरा की। और ऊपर नीचे ये सब क्या है सिस्टम्स अभी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। पर पहले इसकी प्राइस की बात करें तो इसको ख़रीदने के लिए आपको इतने पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको जो है 13-14 हज़ार रुपये के आसपास आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगी। आपको अमेज़ॉन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलती है फॉसिल की। और यहाँ पर मैं इसको हाथ में पहन के दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रही है, कमाल का है ये। और इसका जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन है कलर का, काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। एकदम ही प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक आपको मिलता है जब आप इस वॉच को पहनते हो। और जो है शाइन भी ये काफ़ी अच्छा मार रहा है। यहाँ पर अगर इसके फीचर्स की हम लोग बात करें तो ये जो है एक क्रोनोग्राफ एनालॉग वॉच है, यानी कि इसके अंदर आपको बैटरीज वगैरह डालनी पड़ती है और काफ़ी सारे इसमें फीचर्स मिल जाते हैं आपको। ये कोई मैकेनिकल वॉच नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको 24 आवर्स का हैंड मिलता है, यानी कि अभी 5 बज रहे हैं तो ऊपर होना चाहिए 17, तो ये देखिए 17 पे 16 के आगे, तो वो जो है आपको देखना होगा 24 आवर्स किस हिसाब से आप जब टाइम सेट करते हो तो वो भी घूमता है। और यहाँ पर नीचे वाला जो 60 सेकंड का आपको दिख रहा होगा घूम रहा है, तो ये ऐसे नहीं घूमता, मैंने इसको ऑन किया है। तो फर्स्ट बटन आप जब प्रेस करते हो तो ये जो है टाइमर ऑन हो जाता है, मतलब स्टॉप वॉच, तो यहाँ पर जो है चलता रहेगा। और टोटल 30 मिनट का आपको टाइमर मिलता है ऊपर देखिए, बीच में जो आपको सर्कल मिल रहा है वो 30 मिनट का है। तो 1 मिनट यहाँ पर हो गया है, तो इस बटन को मैं वापस दबाऊंगा तो ये पॉज हो जाएगा। देखना अभी मैं प्रेस करता हूँ और ये पॉज हो गया है। और अगर इसको मुझे रीसेट करना है वापस से तो नीचे वाला जो बटन है उसको मैं दबाऊंगा और ये रीसेट हो जाएगा। तो इसको मैं दबा के दिखाता हूँ आपको, और कैसे देखना मिनट वाला भी ऊपर घूमेगा और नीचे से ये भी घूमेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये रीसेट हो रहा है और दोनों रीसेट हो गए। और वैसे तो इसके सेटिंग्स की मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक, जहां पर आपको सही से समझाऊंगा कैसे आप इनको छेड़ सकते हो जैसे मैं छेड़ रहा हूं यहां पर। तो उसकी लिंक आपको जो है मैं ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में मिलेगी। और अगर मैं आपको सिखाऊँ डेट कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर इसका जो डायल है जिसको बहुत लोग क्राउन बोलते हैं, तो यहाँ पर 3 इसमें जो है प्लेसमेंट होती है। नंबर 1 पर जहाँ पर वॉच चालू होती है, नंबर 2 पर आप करोगे, देखिए थोड़ा सा मैंने इसको खोला है, तो यहाँ पर जो है डेट वगैरह चेंज आप कर पाओगे। देखिए वापस से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये नंबर 2 है और ये है नंबर 3। तो नंबर 3 पे जो है टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। हमें यहाँ पे इसको रखना है नंबर 2 पे, और अब जो है मैं डेट इसकी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए मैं घुमाऊँगा और ये देखिए डेट वाला रोटेट हो रहा है, तो 31 तक डेट है। और ऊपर आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ नीचे की साइड ही डेट चेंज होती है। तो मैं इसको देखिए वापस से क्लॉक वाइज घुमाता हूँ और जो है डेट चेंज होगी यहाँ पर 1, 2, 3। तो कुछ इस तरह से आप डेट सेट कर सकते हो। और 30 का महीना है, 31 का महीना है, तो आपको वापस से जो है लास्ट दिन जो है डेट चेंज करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा रहता है इसके अंदर। और ये जो वॉच है इसका जो आपको अंदर दिख रहा होगा गोल्डन और वाइट, तो यहाँ पर जो वाइट है वो रेडियम है, काफ़ी बढ़िया रेडियम है इसके अंदर। अंधेरे में काफ़ी अच्छे से आपको दिख जाएंगे सारे नंबर्स वगैरह। और वैसे भी 12, 3, 6 और 9 की जगह तो कोई नंबर्स नहीं है, गोल्ड की पट्टी दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो दिख नहीं रहे। बाकी जो दूसरे नंबर से काफ़ी अच्छे से शाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है ये वॉच मुझे तो काफ़ी प्रीमियम लगी,
काफ़ी बढ़िया जो है बिल्ड क्वालिटी, एकदम ही अच्छा जो है क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। और इसका कलर वगैरह आप बताइए आपको कैसा लगा, मुझे तो अच्छा लगा तभी मैंने इसको परचेस किया है। और यहाँ पर दिखने में काफ़ी बढ़िया प्रोफेशनल है ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस वॉच के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके ही लिए है, ज़रूर से कमेंट करिएगा, कुछ ना कुछ तो कमेंट कर दीजिए। और जिनको भी ये वॉच ख़रीदनी है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, जहाँ से आप लोग ज़रूर से चेक कर लेना इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग बाद में कमेंट्स करके पूछते हैं भाई लिंक कहाँ पे है, तो डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, शेयर ज़रूर से कर देना। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला, जय श्री कृष्णा।